स्वर कोकिला के जाने से पूरा मध्य प्रदेश गमगीन है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर कोई लता दीदी को अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई है। लता दीदी के निधन की खबर से देश ही नहीं बल्कि दुनिया का कोना कोना शोक में डूब गया है। हर कोई लता दीदी को याद कर रहा है। भारत रत्न लता मंगेशकर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, लेकिन उनका संगीत और उनकी यादें युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी, क्योंकि उनकी आवाज ने हर फलसफे को मायने दिए, खनक ने सुर दिए और दुश्मनों के दिल भी मीठे कर दिए। स्वर कोकिला के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इंदौर की बेटी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरा मध्य प्रदेश गमगीन है। हर कोई उन्हें याद कर भावुक हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता दीदी के जाने को व्यक्तिगत क्षति बताया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि गीत संगीत के प्रति समर्पण व्यक्तित्व शालीनता अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। स्वर कोकिला नहीं रही, भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। तो वही पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने संवेदनाएं व्यक्त की। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक युग की समाप्ति हो गई। मध्य प्रदेश में जन्मी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद खबर है। उनकी आवाज अमर है, ना उनके जैसा कोई हुआ है और ना होगा। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सबको इस सहन की शक्ति दे। उनसे मुलाकात, मेरी मुलाकात कई दफा हुई थी उनसे, और उन्होंने एक दफ़े बहुत साल करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, लता दी सुरों का जीवंत इतिहास थी। उनका जाना सुरों की दुनिया के साथ ही पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सभ्य लता दीदी तो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज सदैव हम सब के बीच में रहेगी। माँ भारती की सरस्वती समान इस बेटी ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जीवित रखने का संगीत के माध्यम से पूरा प्रकाश किया। उन्हें इस प्रतीक के रूप में हमेशा याद करेगा। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी न्यूज स्टेट के जरिए स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। पूरे देश और दुनिया उनके गीत से काफी प्रभावित थे और आज भी उनके जो गीत है वो हमेशा लोग सुनते भी हैं, और उनकी आवाज में एक प्रकार से एक इतना सुरीलापन और जो कि दिल को छूने वाला रहता था। मैं सच बताऊं तो मैं भी उनके गीत को बहुत पसंद बचपन से करती थी और आज भी मैं सुनती हूँ, तो हमेशा उनके जो गीत है वो हमेशा, वो भी अमर रहेंगी लता जी, और उनके गीत भी अमर रहेंगे। सालों से लोगों के दिलों में राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मधुर आवाजें आज खामोश हो गई है। उनके निधन से पूरे
देश और प्रदेश में शोक की लहर। इंदौर के लोग उन्हें याद कर रो रहे हैं, लेकिन दुनिया उन्हें कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, जो युगो युगो तक लोगों की कानों में घुलती रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।